स्त्री के स्तनों को छुएं कैसे, उसे टच कैसे किया जाए। अब यहाँ पर जिस स्त्री की बात हो रही है वो कोई राह चलती कोई लड़की कोई महिला नहीं है, तो इस गलतफहमी का शिकार मत होना। यहाँ पर जिस स्त्री की बात हो रही है, जिस महिला की बात हो रही है, वो उस महिला की बात हो रही है जिससे आप रिलेशनशिप में हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी पार्टनर के स्तनों को छूं कैसे, तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि आप किस से तो आगे बढ़ चुके हैं और अब आप रोमांस की मंजिल को टच करना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, रोमांस इंजॉय करना चाहते हैं। और ये हर रिश्ते की कहानी है, फिर वो चाहे कैजुअल रिलेशनशिप हो या सीरियस रिलेशनशिप। एक जो पुरुष होता है उसे स्त्री के स्तन आकर्षित करते ही हैं और वो उन्हें छूने के लिए ललायक होता है। लेकिन बहुत से पुरुषों को ये समझ नहीं आता कि वो अपने पार्टनर के जो स्तन है उन्हें छुए कैसे। उनको झिझक होती है, मन में 10 विचार उठते हैं कि कहीं जो मेरी पार्टनर है वो मुझे गलत ना समझ ले, उसे कहीं ऑकवर्ड ना फील हो, उसे बुरा ना लग जाए। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझने वाली चीज है कि जबरदस्ती ठीक नहीं, सहमति से ही सब कुछ है। जब तक आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको ग्रीन सिग्नल ना दे दे, जब तक वो अपनी तरफ से आपको परमिशन ना दे दे, जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए कि हाँ मेरी जो पार्टनर है वो भी खुद से चाहती है कि मैं उसे छूं, तब तक आगे मत बढ़िए। वैसे देखो महिलाओं को भी ये चीज पसंद होती है कि उनका जो पार्टनर है उसके स्तनों को दबाए सहलाए उन्हें टच करे, क्योंकि इससे वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाती है और उत्तेजित हो जाती है। ज्यादातर पुरुषों के मन में उसके स्तनों को छूने का विचार उस वक्त आता है जब वो अपनी पार्टनर को किस कर रहे होते हैं। उस दौरान उस पुरुष के दिमाग में यही विचार चल रहा होता है कि क्या मुझे उसके ब्रेस्ट को टच करना चाहिए, उसके बूब्स को प्रेस करना चाहिए। तो डियर, जब भी सेक्स की शुरुआत होती है तो हमेशा किस से ही होती है। अगर शुरुआत अच्छी है तो बाकी के सारे काम भी अच्छे होते चले जाते हैं, इसलिए हमेशा शुरुआत अपनी बेहतर कीजिए। तो जब भी आप अपने पार्टनर को किस करें, फुल ऑफ इमोशंस फीलिंग के साथ किस करें, तो अगर आप उसे पूरी भावना और पैशनेट होकर किस करेंगे तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपको कभी भी अपने स्तनों को छूने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्तेजना फील करेगी उस वक्त, उसे अच्छा लग रहा होगा, तो ऐसे में वो आपको आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती है। तो ये जो किस है ये चिंगारी की तरह काम करती है, बस लगाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ध्यान रहे कि जब आप किस करें तो आपकी किस ज्यादा गीली ना हो और ज्यादा तेज ना करें। शुरुआत में आप आराम आराम से किस करें और जैसे ही आपको जो आपकी पार्टनर है वो रिस्पॉन्स देने लग जाए उसके बाद पैशनेट होकर किस करें। ये जो चुंबन है आपका ये ना तो ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा सूखा होना चाहिए। तो मुंह के अंदर जो सलाइवा है इसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब ध्यान रहे कि जैसे ही आपकी जो पार्टनर है वो उत्तेजना फील करने लग जाए आप उसके ब्रेस्ट को उसके बूब्स को धीरे धीरे दबाना प्रेस करना टच करना शुरू कर दीजिए। अपनी बढ़ती हुई उत्तेजना के चलते हुए वो आपको मना नहीं करेगी। आपको उसे और ज्यादा उत्तेजित करने के लिए उसे किस करते हुए अपने फिंगर का अपने हाथों का भी यूज करना है। उसको किस करते हुए आप उसके अन्य शरीर के हिस्सों के साथ भी खेलिए, उसकी गर्दन को टच कीजिए, उसकी बैली को बैली पर फिंगरिंग कीजिए, उसकी कमर के निचले हिस्से पर भी आप अपने फिंगर का जादू दिखाइए। ध्यान रहे उसके दो एटम बम्पर आपको टूट करने ही पड़ना है, धावा नहीं बोल देना है एकदम से, अगली विरोध कर सकती है, तो इसलिए आप उसके अन्य शरीर के हिस्सों को भी सहलाइए, उनसे प्यार कीजिए, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। अब अगर इस दौरान आपकी जो पार्टनर है वो खुद से आपको पहल करती है और आपको कस कर पकड़ती है तो ये शुभ संकेत है और सकारात्मक भी, कि कहीं ना कहीं वो आपको ये ग्रीन सिग्नल दे रही है कि वो भी इंटरेस्टेड है कि आप उसे टच करो, छुओ, उसके अंगों के साथ खेलो। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें बता रही हूं जो कि बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ पुरुष जल्दबाजी में जबरदस्ती करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति पहली बार किसी महिला के स्तनों को छू रहा होता है वो अपनी बेचैनी अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं पाता और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो यौन हमला भी कर देते हैं जो कि ठीक नहीं है। ये एक तरह का अपराध है। तो कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती ना करें, उसे कोने में ले जाके घेरा बना के ना खड़े हुए, उसकी प्रतिक्रिया जाने बगैर उसे कसके ना पकड़े, भले वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। इस सिचुएशन में उसे बहुत ही डरा हुआ और फंसा हुआ फील होगा,
जो कि उसकी गरिमा और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के भी खिलाफ है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है नो, तो मतलब नो, नो मीन्स नो। आखिर आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिलेशनशिप को लीड कर रहे हैं, तो आपको उसका रक्षक बनना है, उसका भक्षक नहीं। आपसी सहमति बहुत जरूरी है, ये ना केवल आपके प्लेजर को बढ़ाती है बल्कि आपके म्यूचुअल बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी लड़की के स्तनों को कैसे छुआ, और वो लड़की, और वे अनजान लड़की नहीं कि राह चलती लड़की दिखे झपट्टा मार दिया, वो लड़की जिससे आप रिलेशनशिप में हो, जिसे गर्लफ्रेंड कहा जाता है, वहीं पर चलती हैं ये चीजें, और वो भी आपसी सहमति के साथ। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।